I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. समय हूं। महाराज वासुकी ने एक स्नेही पिता की भांति अपनी पुत्री की भावनाओं को समझा और उसे आश्वासन दिया कि वो अपने अश्रुओं को पोंछ डाले और निर्भीक होकर वरमाला अर्जुन के गले में डाल दे। उलूपी का मन संसार पिता का ये प्यार पाकर हर्ष से नाच उठा। उसे विश्वास हो गया कि अब उसके और अर्जुन के बीच खड़ी हर दीवार गिर चुकी है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं था कि चांडक एक षड्यंत्र रच रहा है। उसने नागलोक के नवयुवकों को भड़काकर विद्रोह की तैयारी कर ली है। उसने अपने निजी द्वेष को राज संकट का रूप दे दिया है। यदि राजकुमारी उलूपी ने अर्जुन के गले में वरमाला डालने का प्रयत्न किया तो मैं आपत्ति करूंगा। तुम सबको मेरा साथ देना होगा। मैं भरी सभा में यह कहूंगा कि किसी नागवंशी कन्या का विवाह किसी नागवंशी के साथ ही हो सकता है। तुम सब मेरा समर्थन करना। यदि महाराज को यह पता चला कि उनका पुत्री मौ राजनैतिक संकट बनता जा रहा है तो वो उलूपी को
अपनी मनमानी करने से रोक देंगे। क्या तुम सब मेरा साथ दोगे? हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे अपने मित्रों से यही आशा थी। ठीक है, तो अब हमारी भेंट कल उत्सव में होगी। मेरे संकेत की प्रतीक्षा करना। अवश्य। ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे? तुझे इससे क्या? ये सब मेरे मित्र थे। इतने मित्र एक साथ? मैंने तुझे कहा ना, तुझे इससे क्या? जा अपना काम कर। चांडक, चांडक, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ पर मैं तुझे नष्ट होते हुए नहीं देख सकती। मैं देख रही हूँ कि सत्ता का लोग तुझे विनाश के मार्ग पर ले जा रहा है और तू आंखें बंद किए हुए बढ़ता ही जा रहा है। चांडक, यदि तेरे मन में कोई षड्यंत्र चल रहा है तो उसे अपने मन से निकाल दे। मैं तेरा कोई षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी तू? हाँ, राजकुमारी उलूपी ने क्षमा करके मुझे प्राण दान दिया है और इसका उपकार चुकाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुझसे जो बन पड़े कर लेना। अभी तू यहां से जा, जा यहां से। मूर्ख, तुझे क्या पता सत्ता और शक्ति में क्या शक्ति होती है? जो समाज के शत्रु बन करते स्वार्थ प्रयोग, ऐसे लोगों से रहें सावधान सब लोग, सावधान सब लोग। नागलोक वासियों, आज महा अमावस्या की शुभ रात्रि है। नागलोक के सबसे महान और सबसे सुंदर उत्सव की रात्रि। आज रात्रि नागलोक संसार के सम्मुख नारी समुदाय की स्वतंत्रता का एक ऐसा महान प्रदर्शन करता है जो आज ही नहीं आने वाले युगों में भी एक उदाहरण माना जाएगा। आज नागलोक की कन्याएं अपनी इच्छा से अपना वर चुनेंगी। ये परंपरा नागवंशियों के इतिहास में प्राचीन है। कोई भी कन्या किसी को भी अपना जीवन साथी चुन सकती है। वर की योग्यता की केवल एक ही कसौटी है कि कन्या उसमें रुचि रखती हो। कोई भी राजनैतिक, आर्थिक या सामाजिक दबाव इस चुनाव के आड़े नहीं आ सकता। हमारा यह सौभाग्य है कि आज के इस महान उत्सव में पांडुपुत्र अर्जुन ने मुख्य अतिथि बनना स्वीकार किया है। आपके सम्मान के लिए मैं आपका आभारी हूं महाराज। मैं उनकी अनुमति से आज के इस उत्सव के आरंभ की घोषणा करता हूं।
राजकुमारी उलूपी, परंपरा के अनुसार यदि राजघराने की कोई कन्या विवाह के योग्य हो तो वो उत्सव का आरंभ करती है। आओ और इस उत्सव का शुभ आरंभ करो। राजकुमारी, आप ऐसा नहीं कर सकती। महाराज, ये नागलोक की परंपरा का अपमान है। हम आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकते। चांडक, उलूपी तुम्हारी अनुमति लेने की बाध्य नहीं है। मैं आदेश देता हूं, अपना खड़क वापस रख लो। इस उत्सव में शस्त्रों का प्रयोग करना नागलोक के नियमों के विरुद्ध है। नियमों को तो आपने और राजकुमारी उलूपी ने तोड़ा है। अवश्य ही किसी नागवंशी कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार है, किंतु नियम यह है कि वो किसी नागवंशी को ही अपना वर चुने। आज नियम का तिरस्कार किया जा रहा है। क्या मैं असत्य कह रहा हूँ? नहीं, हम महाराज, नाग कन्या नागवंश के बाहर विवाह नहीं कर सकती। ये हमारे आत्मसम्मान का प्रश्न है। मैं आपसे विनती करता हूँ महाराज कि उलूपी अर्जुन के गले से वरमाला निकाल ले। चांडक, ये कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि ये समस्त नारी समुदाय और नागलोक का अपमान होगा। नहीं महाराज, चांडक ठीक कहता है, इस विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती। चांडक, अपना खड़क रख दो। इस पवित्र उत्सव स्थल को युद्ध भूमि बनाना महापाप होगा। नहीं महारानी, अब ये खड़क उसी समय नीचे जाएगा जब यह निर्णय हो जाएगा कि राजकुमारी का हठ अधिक महान है या नागवंशियों का आत्मसम्मान। ठहरो, प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भाव। महापुरुष आर्यक, आप? प्रणाम। आयुष्मान भाव। प्रणाम। सौभाग्यवती भाव, मैंने सुना है पांडव पुत्र अर्जुन के यहाँ आने के कारण नागलोक में उत्तेजना फैली हुई है, तो मैं यहाँ चला आया। आप ठीक समय पर आ गए महापुरुष आर्यक, नहीं तो आज आप पूर्वजों की बनाई हुई परंपरा का वध हो जाता। तू ये कैसी बात कर रहा है बालक? महापुरुष, मैं उस परंपरा की बात कर रहा हूं जिसके अनुसार एक नागवंशी कन्या केवल नागवंशी को ही अपना वर चुन सकती है। तुमसे किसने कहा कि नागलोक में कोई ऐसी परंपरा थी? यदि ऐसी परंपरा थी भी तो वो पहले से तोड़ी जा चुकी। तुम इतिहास से अनभिज्ञ हो चाणक, तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुम आज जिसकी शत्रुता के कारण इस शुभ उत्सव को भंग करना चाह रहे हो उसकी माता स्वयं नागवंशी है। हाँ, अर्जुन की माता कुंती नागवंशी है। उसने स्वयं अपनी इच्छा से पांडु को वर चुना था और मानवलोक ने
उसका ऐसा आदर सत्कार किया कि वो इतिहास का सुनहरा पन्ना बन चुका है, और ऐसा आदर सत्कार कदाचित इस नागलोक में भी नहीं मिलता। ये आप क्या कह रहे महापुरुष? क्या मैंने कोई असत्य कहा है? पांडुपुत्र ना केवल नागवंशियों का मित्र है बल्कि हमारा संबंधी भी। वो मेरी दोहित्री कुंती का पुत्र है। राजकुमार उलूपी, मेरी बधाई स्वीकार करो। तुमने संसार के एक महावीर को अपना वर चुना है। नाना श्री आरिक, आप मेरा धन्यवाद और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भाव। परंपरा के नाम पर करो नहीं अन्याय, साथ समय के सब चलो, सच्चा यही उपाय, सच्चा यही उपाय। राजकुमारी उलूपी और महावीर अर्जुन की जय। राजकुमारी उलूपी और महावीर अर्जुन की जय। मौन धारण किया जाए। कुलपुरुष, आपने आकर एक महा अनर्थ रोक दिया, मैं आपका आभारी हूं। चांडक, इस शुभ उत्सव में शस्त्र निकालकर और नागलोक के युवकों को विद्रोह पर उकसाकर जो तुमने अपराध किया है, उसके लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं। महाराज, सैनिकों, महारानी, इसे बंदी बना लो। महाराज, महाराज क्षमा चाहता हूं। सैनिकों, महाराज, महाराज मुझे क्षमा करें। महाराज, महाराज, महाराज मुझे क्षमा करें। महाराज, महारानी, महारानी, महाराज दया कीजिए। महाराज दया कीजिए, चांडक को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। महाराज, राजकुमारी आप ही महाराज से कैसे क्षमा कर दें? अब तो सब कुछ जानती है ना, सब कुछ जानती है ना। महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ कि चालक को क्षमा कर दीजिए। इसका अपराध क्षमा के योग्य नहीं, किंतु मैं तेरे विवाह के उपहार के रूप में इसे इसी के प्राण दान करता हूं। सैनिकों, शुभ कार्य का आरंभ कीजिए। अवश्य। राजन, वरमालाओं का आदान प्रदान करके विवाह सूत्र में बन जाइए। विनती करना चाहता हूं। आप मुझे लज्जित न कीजिए महाराज, आपका तो नेत्र संकेत भी मेरे लिए आज्ञा के समान है। आप मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। तुमने कहा था कि तुम दूसरे क्षेत्रों से मैत्री संबंध बनाने के अभियान पर निकले हो, और नागलोक तो केवल तुम्हारा पहला पड़ाव था। जी हां महाराज,
मैं यहां से मणिपुर क्षेत्र की ओर प्रस्थान करूंगा। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारा उलूपी को इंद्रप्रस्थ ले जाने का कोई विचार नहीं? जी हां महाराज, जब तक यह अभियान पूरा नहीं होता तो इंद्रप्रस्थ लौटने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता ना महाराज। तो फिर आगे जाने से पहले कुछ दिन यही नागलोक में रुक जाओ। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। वैसे भी उलूपी को बाहर के वातावरण का अभ्यास नहीं और मैं इन्हें अकारण कष्ट नहीं देना चाहता, इसलिए मैं आपके निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। जुग जुग जियो। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम महाराज। प्रणाम माताश्री। प्रणाम नमश्री। आयुष्मान भव। मैं समय हूं। एक बार फिर घृणा और द्वेष पर प्रेम की विजय हुई। अर्जुन और उलूपी विवाह के अटूट बंधन में बंध गए। अर्जुन के जीवन ने उलूपी के मचलते यौवन को अपनी यात्रा का पड़ाव जानकर यहीं पर डेरा डाल दिया। किंतु मैं जानता था कि ये तो पहला मोड़ है। अर्जुन उलूपी के मदमाते नैनों में और उलूपी अर्जुन की शक्तिशाली बाहों में ऐसे खोए हुए थे जैसे इस प्रेम नगरी के बाहर किसी दूसरे संसार का अस्तित्व ही नहीं है। उन्हें एक दूसरे के सिवा कुछ भी याद नहीं रहा। मेरा भी मन चाहा कि सृष्टि की इस सबसे सुंदर कृति, प्रेम की इस लीला, इस आलिंगन, चुंबन और मधुर मिलन को देखने के लिए कुछ देर ठहर जाऊं, किंतु ये मेरे वश में नहीं है। मुझे तो आगे बढ़ना है और अपने साथ अर्जुन को भी आगे बढ़ाना है, उस मोड़ की ओर जहां अद्भुत कठिनाई उसकी प्रतीक्षा कर रही है। अर्जुन भले ही इस समय सब कुछ भूल गया हो, किंतु मैं उस नवयुवक बभ्रुवाहन को कैसे भूल सकता हूं जो इसके सामने चुनौती बनकर खड़ा होने वाला है। मैं उस चित्रांगदा को भी कैसे भूल सकता हूं जो अर्जुन के भाग्य में एक नई रेखा खींचने वाली है। अर्जुन को नागलोक और उलूपी को प्रेम संसार में रहते जब कई मास बीत गए, तब मुझे अर्जुन को झिंझोड़ना पड़ा। उलूपी, यदि संभव होता तो मैं सदैव के लिए नाकों की गहराइयों में छुपा होता, परंतु उलूपी, मैं जानती हूं तुम क्या कहना चाहते हो, यही ना कि अब तुम्हें जाना है? हां उलूपी, बहुत समय बीत गया। समय यदि पलों, प्रहरों और दिनों का नाम है तब तो वो अवश्य बहुत बीत गया, पर यदि समय प्यार की ऋतु, मिलन की घड़ी का नाम है तब तो वो आज भी मेरे लिए वही खड़ा है जहां मैं पहली बार तुमसे टकराई थी, और वो समय ना ही कभी बीता ना ही कभी बीतेगा। मैं भी तो उसी क्षण की बौछार में भीग रहा हूं लुपी, परंतु समय मुझे फिर से अपने उद्देश्य की ओर पुकार रहा है। मैं तुम्हारी जीवन संगिनी हूं, तुम्हारे दुख सुख, तुम्हारे सपने, तुम्हारी आकांक्षाओं
तुम्हारे उद्देश्य की भागीदार हूं। मैं तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति करने से तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। मेरा भी जाने को मन नहीं करता, परंतु क्या करूं लोपे, मैं तुम्हें अपने साथ भी तो नहीं ले जा सकता। मुझे भूल तो नहीं जाओगे? लोपे, शरीर के लिए सांस को, हृदय के लिए धड़कन को और मन के लिए विचार को भूलना संभव हो तो कदाचित मैं तुम्हें भूल पाऊं। ये बताओ कि तुम मेरे बिना कैसे रह पाओगे? मैं ना रह पाती, कदापि ना रह पाती, कदाचित प्राण ही दे देती। किंतु क्या उलूपी? तुम एक ऐसी सुंदर स्मृति छोड़कर जा रहे हो कि अब मुझे तुम्हारे बिना जीना होगा। स्मृति छोड़ के तुम? हाँ, तुम मुझे इस संसार की एक संपूर्ण नारी बनाकर जा रहे हो। मैं मां बनने वाली हूं। उलूपे, आज तुमने मुझे जीवन का सबसे शुभ समाचार सुनाकर बहुत प्रसन्न किया। नागवंशी और चंद्रवंशी की संतान, हमारी संतान एकता और मित्रता की सबसे सुंदर प्रतिमा होगी। मणिपुर के मार्ग में एक वन है जहां कामाख्या देवी का एक मंदिर है। वहां मंदिर में कामाख्या देवी के दर्शन अवश्य करना, उनके आशीर्वाद से तुम्हारा अभियान अवश्य सफल होगा। आयुष्मान भव। श्रीमान, कहां चले? देखते नहीं कि इस द्वार में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है? वो तो देख रहा हूं, परंतु मैं तो अकेला हूं, मेरे साथ और कोई दूसरा नहीं। मेरा ये तात्पर्य नहीं था। तो फिर? हम और तुम एक साथ अंदर नहीं जा सकते। इसीलिए तो पहले मैं अंदर जा रहा हूं। पर तुम्हें मुझसे पहले अंदर जाने का अधिकार नहीं है। क्यों? इसलिए कि तुमसे पहले मैं यहां आया हूं। नहीं, ये तुम नहीं कह सकते। हाँ, अधिक से अधिक इतना कह सकते हो कि हम दोनों एक साथ यहाँ आए थे। ऐसा भी है तो तुमने ये निर्णय कैसे ले लिया कि तुम पहले जाओगे? देखो, मैं एक यात्री हूँ, मुझे देवी के दर्शन करके आगे भी जाना है, इसलिए पहले मुझे देवी के दर्शन कर लेने दो। जिन्हें देवी से श्रद्धा होती है वो ये नहीं देखते कि देवी के दर्शन से उनके कार्य में कोई विलम्ब हो रहा है। अच्छा,
चलो यूं ही सही, परंतु आयु में तो मैं तुमसे बड़ा हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि बड़े छोटों के अधिकार को छीन ले। हाँ, और अधिकार मांगने का अर्थ ये भी नहीं कि बड़ों का अनादर किया जाए। आप दोनों यूं ही लड़ते रहेंगे या आगे भी बढ़ेंगे? देखते नहीं भक्तजनों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। श्रीमान जी, मैं तो स्वयं अंदर जाने के लिए व्याकुल हूँ, परंतु ये बालक मेरी राह रोक के खड़ा है। मैंने इन्हें इसलिए रोका क्योंकि ये मुझसे पहले अंदर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, जबकि मैं पहले यहाँ आया था। ये सत्य नहीं है, पहले मैं आया था। देखो भाई, इस प्रकार झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं, तुम दोनों हम सबका समय नष्ट कर रहे हो। ठीक है, तो फिर इनसे कहिए कि पहले मुझे अंदर जाने दें। मैं तुम्हें अंदर जाने की अनुमति अवश्य दे देता, परंतु अब तो सिद्धांत का प्रश्न है, इसलिए पहले तो मैं ही अंदर जाऊंगा। और मैं तुम्हें पहले अंदर नहीं जाने दूंगा। हमारी मानो, तुम दोनों यहाँ से दूर जाकर लड़ झगड़ कर या तुम्हारा मन चाहे वैसे, पहले ये निर्णय कर लो कि तुम दोनों में से अंदर पहले कौन जाएगा, परंतु हमारी राह न रोको। मुझे स्वीकार है। मुझे भी स्वीकार है। आओ अपनी अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन दिखाएं। जो जीत जाए वही मंदिर में पहले प्रवेश करेगा। देखो बालक, मैं यहाँ देवी दर्शन के लिए आया था, कला प्रदर्शन के लिए नहीं। यदि अंदर जाने के लिए और कोई मार्ग नहीं तो फिर मैं तैयार हूँ। तो फिर आओ, देखते हैं कौन कितने पानी में है। चलो। हम में से जो भी अपने बाण से इस आंख की पुतली को भेद देगा वही विजयी माना जाएगा। उसे ही मंदिर में पहले प्रवेश करने का अधिकार होगा। क्या देख रहे हो? कुछ देख नहीं रहा हूं, सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हो? यही कि तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम क्या कर रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं। आंख का कितना सुंदर चित्र तुमने बनाया है। कदाचित प्रकृति ने इसीलिए तुम्हारे इन कोमल हाथों को बनाया था कि तुम इनसे चित्रकारी कर सको, परंतु तुम इन हाथों में धनुष बाण उठाकर प्रकृति की दिव्य देन का अनादर कर रहे हो। मेरे हाथ को मत देखो, अपने लक्ष्य की ओर देखो। ध्यान हट गया तो निशाना भी चूक सकता है। अपना धनुर्बाण संभालो और अपने भाग्य को पहले तुम आजमा लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बालक, मंदिर में तो प्रवेश पहले तुम करना चाहते थे ना, तो फिर यहां इतनी उदारता क्यों दिखा रहे हो? यहां भी पहले तुम ही करो, मैं तुम्हें अवसर देता हूं। मुझे पहला अवसर देकर शेष जीवन पछतावा करोगे। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि अगर मैंने लक्ष्य भेद दिया तो फिर तुम्हारे लिए शेष क्या बचेगा? कोई बात नहीं, जो बचेगा उसे मैं अपना भाग्य समझ लूंगा। ठीक है, तो फिर देख लो। अभिनंदन बालक, अभिनंदन। परंतु तुम्हारा कोमल शरीर और तुम्हारी क्षमता आपस में मेल नहीं करते, फिर भी तुम्हारा लक्ष्य भेदन प्रशंसा योग्य है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे बाण चलाने का अवसर पहले मत दो। अब तुम किस पर बाण चलाओगे? तुम्हारे गुरु ने तो तुम्हें बताया होगा कि लक्ष्य केवल एक होता है। नहीं बालक, मेरे गुरु ने मुझे यह बताया था कि यदि बाण चलाने की कला आती हो तो लक्ष्य अपने आप जन्म लेता है, और वैसे भी संसार में लक्ष्य बहुत हैं। तुम्हारे बाण ने लक्ष्य का भेदन अवश्य किया है, परंतु अब तुम ये देखना बालक कि मैं तुम्हारे इस बाण के साथ क्या व्यवहार करता हूं। Thank you.
कहां गया तुम्हारा बाण बालक? अब तुम ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे इस लक्ष्य को मेरे बाण के अतिरिक्त और किसी के बाण ने भेदा होगा। अब मैं मंदिर की ओर प्रस्थान कर सकता हूं ना? नहीं। क्यों? ये निर्णय कौन करेगा कि तुम जीत गए और मैं हार गया? बाण तो मेरा भी लक्ष्य पर लगा था। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। एक काम करो, मंदिर पहले तुम चले जाओ, मैं तुम्हें इसकी अनुमति देता हूं। मुझे अनुमति नहीं, अधिकार चाहिए। चलो यूं ही सही, मैं अनुमति शब्द वापस लेता हूं और तुम्हें अधिकार देता हूं। अधिकार दया से नहीं लिया जाता, क्षमता से लिया जाता है। बड़े विचित्र हो, ना मुझे जाने देते हो ना खुद जाने को तैयार होते हो। इस विवाह का कोई तो अंत होगा। अंत क्यों नहीं, इस बात का तो पहले ही निश्चय हो गया था कि जो भी जीतेगा वही मंदिर में पहले प्रवेश करेगा। सत्य है, जीता मैं था, परंतु मैं भी तो हारा नहीं। तुम चाहते क्या हो? हार या जीत का निर्णय यदि धनुष और बाण से नहीं हुआ तो क्या? अभी खड़क तो बाकी है। तुम व्यर्थ हट मत करो बालक। मुझे बालक मत कहो। तो क्या कन्या कहूं? सच पूछो तो तुम्हें कन्या कहने को ही मन करता है। अरे क्यों न जाने क्यों ऐसा लगता है कि प्रकृति ने तुम्हें कन्या बनाते बनाते बीच में अपना विचार बदल दिया हो। तुम मुझे क्रोधित कर रहे हो। मैं बातों में नहीं कर्म में विश्वास रखता हूं। निकालो अपना खड़ग और देखो कि इस कोमल तन में कितनी शक्ति है। जाने भी तो मित्र, अब इस विवाद को यहीं समाप्त कर देते हैं। भयभीत हो रहे हो? नहीं, चिंता हो रही है कि कहीं तुम्हारी इस कोमल कलाई में पहुंच ना आ जाए। तुम नहीं मानोगे। वाह बालक। बालक बहुत हो गया। क्षमा करना सुंदरी, यदि पांडु पुत्र अर्जुन को इस बात का ज्ञात होता कि तुम्हें कन्या हो तो मैं तुमसे कभी नहीं उलझता। आप तो जानती हैं कि यह भूल अनजाने में हुई थी। मैं तो कभी किसी कन्या का अनादर नहीं कर सकता, और सच पूछो तो मुझे पता ही नहीं था कि वो कन्या है। आप तो अंतर्यामी है माता, आप तो जानती हैं कि मैं इंद्रप्रस्थ की मित्रता की खोज के अभियान पर निकला हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मणिपुर के नरेश को अपना मित्र बना सकूं, अपनी सद्भावना का उसे विश्वास दिला सकूं। माता मुझे आशीर्वाद दीजिए।
महारानी की जय हो। महाराज मणिपुर पधार रहे हैं। आइए महाराज, आपका स्वागत है। महारानी, हमारा पुत्र चित्रांगद कहाँ है? चित्रांगदा अभी अभी कामाख्या देवी के दर्शन करके लौटी है, अपने कक्ष में है। महारानी, आपके इसी व्यवहार पर हमें आपत्ति है। आपसे हमने कितनी बार कहा कि उसे पुत्री नहीं पुत्र समझा कीजिए। जब आप चित्रांगद को चित्रांगदा कहती हैं, तो हमारे मन को ठेस लगती है। महाराज, यदि मेरे कारण आपके मन को ठेस पहुंची है तो मेरे लिए यह मर जाने की बात है। किंतु महाराज, वो है तो कन्या ही। हम ये सत्य सारे संसार से छिपा सकते हैं कि वो हमारी पुत्री है, किंतु अपने आप से तो ये सत्य नहीं छिपा सकते। अपने आप को धोखा देने में हम सफल नहीं हो सकते और हमें सफल होना भी नहीं चाहिए। हमारी पुत्री प्रकृति का हमारे लिए अनमोल उपहार है। प्रकृति के इस उपहार से हमें लज्जित नहीं होना चाहिए और ना ही उसे कम समझना चाहिए। हमारी पुत्री क्या नहीं कर सकती? वो माता पिता को प्यार कर सकती है, उनकी देखभाल कर सकती है और वो सारा उत्तरदायित्व निभा सकती है जो एक पुत्र निभाता है। पता नहीं लोग पुत्री को कम क्यों समझते हैं। महारानी, हमें इस बात का तनिक भी खेद नहीं। आपको तो ज्ञात है हमारे वंश को भगवान शिव का वरदान है कि हमारे राजघराने में केवल एक ही संतान होगी। हमें संतान के रूप में पुत्री प्राप्त हुई, इसका हमें संताप नहीं है। पर हमारी प्रजा आज तक पुरुषों का राज्य देखती आई है, इसीलिए हमने अपनी पुत्री को बालकों जैसी वेशभूषा, उनका रहन सहन और उनकी बोलचाल का अभ्यास कराया ताकि कल को कोई उसे कन्या मानकर दुर्बल न समझ ले, ताकि कोई उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचना करने की चेष्टा न कर सके। मैं आपका विरोध नहीं कर रही महाराज, पर हम प्रकृति से लड़ भी तो नहीं सकते। प्रकृति ने नर और नारी में अंतर रखा है। नारी लाख पुरुषों के वस्त्र धारण कर ले, किंतु अपने शरीर के आकार को तो नहीं बदल सकती। वो पुरुषों की भांति युद्ध कर सकती है, राज सत्ता संभाल सकती है, किंतु अपने मन की उस कोमलता, उस ममता, उस भावना को नहीं बदल सकती जो प्रकृति ने केवल नारियों को दी है। नारी से यदि उसका नारीत्व छीन लेंगे तो क्या रह जाएगा उसके पास? महाराज, हम अपनी पुत्री को पुत्र बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। अपने विचारों में कन्या को बालक का रूप देकर उसका मान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि समाज पुत्र को पुत्री से श्रेष्ठ मानता है। लेकिन महाराज, क्या हम ऐसा करके उस पर अत्याचार नहीं कर रहे? अत्याचार? अत्याचार कैसा महारानी? हम जानते हैं वो हमारी पुत्री है, कल हमें उसका विवाह करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वर ढूंढना पड़ेगा। महाराज, मणिपुर की कन्या के लिए वर ढूंढना कठिन है क्या महारानी? वर ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं होगी महाराज, किंतु यदि चित्रांगदा स्वयं को पुरुष समझती रही तो अपने वर के साथ निभाने में अवश्य कठिनाई होगी। यदि समय यूं ही बीतता रहा तो उसके विचार इतने बदल जाएंगे कि स्वयं को एक पत्नी और फिर एक माता के रूप में नहीं ढाल पाएगी। जब वो स्वयं को नारी के रूप में नहीं पहचान पाएगी तो फिर दूसरे उसे कैसे पहचानेंगे? छोड़िए इस गाथा को महारानी, इस पर फिर कभी विचार विमर्श करेंगे। आप हमें यह बताइए कि हमारा पुत्र है कहाँ? कामाख्या देवी के दर्शन करके कदाचित थक गई होगी,
अपने कक्ष में बैठी है, आप कहें तो बुलवा दूं। नहीं नहीं, उसे कष्ट देने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं उससे जाकर मिलेंगे। बदलने से कभी बदले नहीं प्रमाण, नारी का नारी तू ही है ना।